अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? अबे भाई, सुबह सुबह उठना पड़ गया, पापा को जो छोड़ के आना है एयरपोर्ट। अच्छा हुआ भाई मैं एक अलार्म पे उठ गया, नहीं तो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होके ना गालियां देते मुझे कि तुझे बोला था भाई उठ जा उठ जा। अब आके आराम से सोऊंगा, शुक्र है आज संडे है तो मुझे शोरूम नहीं जाना पड़ेगा। एक तो ये नहीं कि उबर करवा के चले जाए, नहीं मैंने रात में बोला भी था कि पापा उबर करवा के चली आएगा तो बोलने तीन तीन गाड़ियाँ नीचे क्या शादियों में सजवाने के लिए खड़ी की मियाँ। अबे इनसे बहस कौन करे, संडे वाले दिन भी काम पूरे वीक काम करवाते हैं। आप जल्दी आ जाए भाई, नींद आ रही है मुझे। वैसे कहते हैं गाड़ियाँ नहीं चलाओ, मेरी गाड़ियों को हाथ नहीं लगाओ, अब खुद देखो मैं छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा है भाई, अभी अच्छा ही बनना है, हमें भी गाड़ी लेनी है भाई, पापा की नज़रों में अच्छा बनना है ताकि हमें कोई अच्छी सी गाड़ी दिलवाए वो। आ जाए पापा, खुद घंटे लगाते हैं तब कुछ नहीं है। हाँ जिमी, रख दिया मेरा सूटकेस अंदर। जी पापा रख दिया, मैं आपका वेट करता, जल्दी आए फ्लाइट मिस ना हो जाए। कोई फ्लाइट मिस नहीं होगी, अभी आधा घंटा है फ्लाइट में। हैं आधा घंटा है? हमें भाई ट्रैफिक मिल गया तो हम क्या करेंगे? कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इस टाइम सुबह कोई ट्रैफिक नहीं होता भाई। संडे है पापा, आपको पता नहीं है, आप तो सो रहे होते हैं, मैं कभी कभार गया हूँ ना दोस्तों के साथ, बहुत ट्रैफिक होता है भाई। अब अगर फ्लाइट छूट गई ना मुझ पर मत चीखेगा। हाँ तो और किस पे चीखूंगा, तुम सही तेज चला के पहुँचाओ मुझे अगर ट्रैफिक होता है। अच्छा मैं तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बोलेंगे। एक्सीडेंट क्यों हो जाएगा? और हाँ जरा चक्कर लगा देना आज शोरूम का। पापा आपको पता है दिन कौन सा है? जो भी दिन है मुझे पता है, आज संडे है, लेकिन फिर भी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी भी हैं। और अच्छा क्या हुआ उन ब्लैक रिवोस को, क्या हुआ उनकी मेंटेनेंस हो गई? जी पापा उनकी मेंटेनेंस तो हो गई है, बस उनका थोड़ा सा भी और काम रहता है। जल्दी से उनकी मेंटेनेंस करो भाई, वो पाकिस्तान आर्मी को हमने पहुँचानी है, उनको सबसे अच्छी सर्विस देनी है, बाकी कस्टमर्स को साइड पर रखना, लेकिन अपनी जो आर्मी है ना उसके साथ हमने सही से रहना है, समझ गए? जी जी वो तो मैं पहुंचा दूंगा, बस थोड़ा सा उसका काम रह गया मैकेनिक ने, जब बिल्कुल ओके कर देनी है ना फिर मैंने वो पहुंचा देनी है। हाँ जल्दी पहुंचा देना और मुझे रिपोर्ट करना फिर। जी पापा वो तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ मंडे को एक काम करना, जल्दी पहुंच जाना, सही है? अरे सुबह 9 बजे तो पहुंच जाता हूँ भाई, मैं और कितना जल्दी पहुँचूँ? 8 बजे पहुंच जाना भाई, पहले पहुंचना, ये मैकेनिक आया हुआ था, ये भी जो है ना टाइम वेस्ट करता है, इसको भी जरा ना टाइट करना। अरे उसको तो मैं ऐसा टाइट करूंगा कि आपकी सोच है। हाँ उसको टाइट करना भाई, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में ना वो तुम्हारा फायदा उठाएगा, वो छुट्टियाँ करेगा। अबे निकलो भाई, फ्लाइट निकल जाए। सिग्नल तोड़ लो तुम। हाँ तो फिर फ्लाइट छूट जाएगी, फिर आप मुझे बोलेंगे। आराम से संभालो। संभाल ही रहा हूँ ना, इतनी तेज नहीं चलाओ फिर संभलेगी नहीं, तुमसे ब्रेक नहीं लगेगा। अरे भाई मैं सही चलाता हूँ, बार बार नहीं बोला करें मुझे, एक तो सुबह सुबह उठा दिया आपने मुझे। हाँ तो सुबह जल्दी उठोगे तो ही जिंदगी में कामयाब होगे जिमी, देर तक सोते रहोगे तो बिल्कुल नाकाम होगे। ये पता नहीं कौन सी लॉजिक है, अपना भी बिजनेस हो तब भी जल्दी उठे बंदा, फायदा क्या है फिर यार अपना बिजनेस होने का, इससे बेहतर बंदा जॉब ही कर ले। ये देखो तुमने क्या किया, आपने बातों में लगा दिया, अभी मैं उसको उतर के बताता हूँ। उधर के कोई नहीं बताओ, निकलो अब यहाँ से, अजीब हो तुम। अच्छा पहले खुद कहते कि तेज चलाओ, अब देखें ये हो गया ना। अगर अभी फ्लाइट नहीं होती ना मेरी, मैं तुम्हें बताता कि किस तरह चलाते हैं गाड़ी, गाड़ी चलाना भी तुम्हें सिखाई जाए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, तुम साइकिलें चलाया करो। अच्छा तुम्हारा वजन भी कम हो, इतना पेट निकल रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ सही है भाई, बोलते रहे, आपका भी पेट निकल रहा है। मुझसे जबान चलाओगे हैं, मुझसे जबान चलाओगे? नहीं मैं ऐसे बोलना था भाई। अब इसका डैंड निकलवाना तुम, समझ गए? आज कहाँ से निकलवाऊंगा, आज तो अपने शोरूम बंद है। आज वाज मुझे नहीं पता, मुझे कल जो है ना इसका डेंट निकला हुआ चाहिए, मुझे तस्वीर सेंड करना, अगर तुमने नहीं सेंड की ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई आप जाए भाई, मैं करवा लूंगा आज के आज, क्या करें भाई मेरी बुराई आई हुई थी, मैं क्या करूँ। यहाँ पर उतारना? हाँ तो और कहाँ उतारना, क्या ट्रेन स्टेशन पे उतारोगे? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। अरे भाई क्या करें, हमसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता, हम तो अनाड़ी हैं भाई। क्या बोल रहे हो मुँह में? कुछ नहीं बोल रहा मैं। अच्छा पापा फिर सामान उतारूँ आपका? नहीं तो कौन आके उतारेगा, ड्राइवर आके उतारेंगे। सामान उतारो, आप दरवाजा तो बंद कर दिया करें। सामान उतारो, चलो शाबाश। हाँ उतार रहा हूँ पापा, उतार रहा हूँ।
ये दरवाजा जाम हुआ हमारे भाई। हाँ तो तुमने अभी गाड़ी मारी है ना, जाम हो गया होगा वो। अजी मैं भाई सुबह सुबह बातें सुनाते रहते हैं, पता नहीं क्या है यार, इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता इनको। ओके जिमी, फिर ख्याल रखना और जो भी हो मुझे अपडेट देते रहना। अच्छा खास कर ये जो तुम्हें मैंने बोला ना, पाकिस्तान आर्मी के जो ड्रग्स हैं वो उनको पहुंचा देना, सही है? उसमें मुझे कोई ताखीर नहीं चाहिए। अरे वो हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और कुछ आपको बोलना है? डांटना तो थोड़ा और डांटने, नहीं तो आपका जहाज आ जाएगा फिर। नहीं डांटना नहीं है, समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये बातें तुम्हें आगे ज़िंदगी में याद आएंगी जो मैं तुम्हें अभी नसीहतियाँ कर रहा हूँ, सही है? ओके ख्याल रखना अपना। ओके बाबा अल्लाह हाफिज़। नसीहतें पे नसीहतें ही करते रहते हैं और क्या है, हर वक्त डांटते रहते हैं। अजीब है भाई, शुगर है भाई, चले गए, अब ये सुकून होगा भाई जब तक ये बाहर है। मैं तो कहता हूँ मीटिंग ही चलती है ना इनकी। अरे अब आराम से घर में कोई टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, आराम से अपनी आज़ादी से घूमेंगे यार। मना किया कि मर्सिडीज़ मत चलाना, हाँ अगर कोई काम हो तो लैंड क्रूज़र में घूमना। अरे मेरा घंटा, मर्सिडीज़ में घूमेंगे, तबीर को फ़ोन करूँगा, ये तेरा भाई मर्सिडीज़ लेके आया, आजा चल निकलते हैं भाई, घूम फिर के आते हैं। वैसे यार लैंड क्रूज़र में भी मज़ा अपना है, लेकिन मर्सिडीज़ के जो भाड़ा है ना वो तो अपने अलग ही हैं भाई। आज संडे यार, आज एक काम करता हूँ, अभी जाके सो जाता हूँ, दोपहर में उठूँगा, आराम से घूम फिर के आएंगे भाई। अबे यार एक तो पापा को भी है ना पिक्चर सेंड करनी है, टेंट निकलवा के क्या करूँ। अबे संडे को तो कोई मैकेनिक भी नहीं होगा। अबे बढ़ा रहे भूतनी के साले, पता नहीं कौन कौन है यार शहर में, इतना ट्रैफिक होता है सुबह। मैंने कहा भी था शाम की फ्लाइट ले लें, संडे है भाई, लेकिन नहीं सुबह की फ्लाइट, पता नहीं क्या। एक तो यार पापा ने भी ये शर्ट डाल दिया, प्रियस मुझे ढूंढ के दो अपनी। अरे प्रियस मुझे पता है कहाँ पे, लेकिन उन गैंग वालों से छुड़वाऊँ कैसे? मैं रेस में मैं हार गया था, मैं ये बताऊँगा तो पापा ने तो मुझे कभी गाड़ी नहीं दिलानी, बोल लेंगे बेटा तू फिर रेस करेगा। नहीं यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। एक तो अशरफ भाई का भी कॉन्टैक्ट नहीं है ना, कल मैंने उनको मैसेज किया था, उनका रिप्लाई नहीं आया यार। उनसे ही बोलूँगा यार, दो चार पैसे ले लो, मेरी गाड़ी तो छुड़वाओ यार ये गैंग वालों से। अबे एक काम करता हूँ, ये है ना अपने फ्रैंकलिन भाई का खुला हुआ है क्या आज, इन्हीं से डेंट निकलवा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया इनके पास भी नहीं गया यार, कितने सालों से मुलाकात ही नहीं हुई इनसे। यार लग तो रहा है गाड़ियाँ तो खड़ी हुई है यार। ओ भाई खुला हुआ है, संडे को भी काम कर रहे हैं, नोट छाप रहा है ये। अरे कर रहे हैं फ्रैंकलिन भाई। सलाम अलैकुम फ्रैंकलिन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जिमी, क्या हाल है, इतने टाइम बाद। अरे क्या दाढ़ी वाड़ी रख ली भाई, क्या तबलीगी जमातों के साथ फिर रहे हैं क्या आजकल? नहीं नहीं वैसे ही रखी हुई, कोई तबलीगी जमातों के साथ नहीं। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे वो यार वो गाड़ी के सिलसिले में आऊँ, डेंट निकलवाना है। आप क्या अकेले ही काम कर रहे हैं, संडे को भी काम कर रहे हैं? यार आजकल वैसे बिजनेस नहीं है, और बिजनेस में लॉस हुआ हुआ है तो बंदे भी शार्ट कर दिए मैंने, तो जो दो चार गाड़ियाँ आती हैं वही देख लेता हूँ मैं। तुम बताओ क्या चल रहा है? अरे बस चल रहा है, शोरूम चल रहा है, पापा को अभी ड्रॉप करके आया हूँ एयरपोर्ट। अच्छा आप ये डेंट देख लेना। क्या हुआ, कहाँ मार दी गाड़ी? अरे बस ये लग गए थोड़ी सी यार, ये बताएं कि आज के आज हो सकता है? आज के आप, अचानक थोड़ी हो सकता है भाई, इतना तो नहीं है, सिर्फ स्क्रैच है, ये स्क्रैच होगा और पेंट होगा, थोड़ा सा दरवाज़ा भी अंदर हो गया, मसला कर रहा है क्या? हाँ मसला तो कर रहा है भाई, थोड़ा सा जाम हो गया, ये ज़्यादा तो नहीं है ना? नहीं ज़्यादा नहीं है, बस अंदर से हथौड़ी मारूँगा बाहर आ जाएगी, और बस पेंट करना है। आज के आज कर दें फिर, मैं तो कहता हूँ शाम में आ जाओ गाड़ी लेने। एक काम करो कल सुबह आ जाओ, गाड़ी छोड़ जाओ फिर। अरे ये काम किया ना, कल मैं सुबह ही सुबह आके ना गाड़ी ले जाऊँगा। कितने बजे आ जाऊँ? अभी मैं तुम्हें बता दूँगा, हाँ इतना काम नहीं है, 25,000 रुपये लगेंगे। हाँ हाँ 25,000 की टेंशन नहीं है, वो दे दूँगा। आप बस ये करो, पापा को तस्वीर सेंड करनी है मैंने। एक तो तुम्हारे पापा भी ना, उनको फ़ौरन चीज़ें चाहिए होती हैं। चलो काम तो हो जाएगा, वैसे भी ये गाड़ी इसका थोड़ा सा ही काम है, तो इसको आगे करता हूँ फिर इसको बनाता हूँ।
और क्या तुम ट्यूनिंग वगैरह करनी है देखनी है? अरे नहीं, ट्यूनिंग वूनिंग देखनी वो तो अपने गैराज में देख लेते हैं हम। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो अपने गैराज में ही करवा लेते ना, यहाँ क्यों लेकर आ गए? अरे यार मेरा मैकेनिक वैसे भी टोपीबाज है और उसके पास वैसे भी बहुत काम है, और पापा को ये अर्जेंट दिखानी है क्योंकि उनके सामने ही तो मारी मैंने। ओहो क्या बुराई आई है तुम पे, अपने बाप के सामने गाड़ी मार दी। वाह भाई वाह, जिमी सही जा रहे हो। अरे हम तो ऐसे ही, आप बताओ भाई, बहुत अरसा हो गया आपसे मिले नहीं यार, आप कहाँ थे? कुछ नहीं यार, बस बिजनेस में ही मगन थे यार। अरे इतना अच्छा चल रहा था, मैंने सुना है आपका बेनीस, लेकिन फिर क्या हुआ? यार बेनीस की माँ बहन एक हो गई। खैर बहुत लंबी कहानी है, बिजनेस में काफ़ी घाटा हुआ और अभी बिजनेस ही नहीं है यार, गाड़ियाँ ही नहीं आ रही हैं बनने, कोविड ने भी मार रखी है, और ऊपर से कुछ शोरूम वाले ऐसी सस्ती सस्ती गाड़ियाँ बेच रहे हैं तो कोई मॉडिंग करवाने नहीं आ रहा है। हाँ कौन कौन से शोरूम वाले हैं, है ना? हाँ तुम्हारी बात नहीं कर रहा तो तुम ऑफेंड मत हो जाना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। आओ कुछ पियोगे ठंडा वंडा? अरे नहीं मैं निकलूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं उबर करवाऊँ निकलूँ, सुबह सुबह उठा दिया पापा ने। हाँ संडे को भी तुम्हारे बाप को चैन नहीं है। ठीक है जिमी, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, सही है ये बना के, अगर कल तक नहीं हुआ ना तो फिर परसों हो जाएगी। अरे यार फ्रैंकलिन भाई प्लीज़ कल तक करने ना यार उसको, ना पापा मेरी जान ले लेंगे। हाँ तुम्हारे बाप को तो मैं जानता हूँ। चलो ठीक है मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, ठीक है? पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना जिमी, जो है ना मुझे पेंट वगैरह लाना पड़ेगा। अरे मैं घर जाते ही आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, सही है? ओके ठीक है, ओके सही है फ्रैंकलिन भाई, फिर आप मुझे जो है ना जल्दी अपडेट कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ ठीक है जिमी, मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, सही है? आ जाओ नाश्ता करें, हलवा पूरी खाते, मैं भी नाश्ता करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं मैं तो सोने जा रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। चलो यार अल्लाह का बहुत करम है यार, संडे को तो कोई काम आया, वरना तो पूरे वीक यार मत मारी गई है कोई गाड़ी ही नहीं यार। अचानक से ऐसे बिजनेस को नज़र लगी है ना कि यार गाड़ियाँ ही आना बंद हो गई, फिर यार ऊपर से बिजली का बिल होता है, इस जगह का रेंट है, क्या करें अब। इसलिए मैंने जो है बंदे भी शार्ट कर दिए, क्योंकि गाड़ियाँ 2 महीने से आना ही बंद हो गई थी, एक गाड़ी 1 महीने में आ रही है तो अब कैसे चलेगा, तो सैलरीज कैसे दूंगा, इसलिए मैंने सारे बंदे ही फारिग कर दिए। मैंने बोला जो काम आएगा खुद ही देख लूँगा, अब संडे को भी खोलना पड़ रहा है क्योंकि पूरे वीक गाड़ी नहीं आई थी, ये कल ही आई है तो उसका थोड़ा बहुत काम है। शुक्र है भाई ये आ गई, क्या करें यार इस तरह बिजनेस के साथ हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। खैर क्या करें भाई, नसीब नसीब की बात होती है, कुछ हरामी भी ज़िंदगी में मिले जिसकी वजह से ये हाल हो गया। खैर अपना नाम ख़राब किया लोगों ने, खैर हमारा क्या, हम तो काम अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन नाम हमारा ख़राब कर दिया, ख़ासकर ये अशरफ ने मार्केट में फैला दिया। जब इसने अपनी वर्कशॉप खोली थी ना तो इसने मार्केट में फैला दिया था कि ये जो है फ्रैंकलिन भाई काम ख़राब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस कुत्ते के बच्चे को तो यकीन करो दिल चाहता कि मैं कत्ल कर दूँ, लेकिन क्या करें ये है अभी तो ड्राइवर के साथ ना। अरे ठीक है नाम ही ख़राब किया है ना, नाम फिर बना लेंगे। फिलहाल यार इसको मैं देखूं, पेंट लेकर आना पड़ेगा, मेरे पास इसका पेंट तो है नहीं। फिलहाल इसका डेंट तो निकालें, छोटा मोटा स्क्रैच है, हो जाएगा कल तक। अबे भाई दुआ करो यार ये दुकान ना बंद करनी पड़ जाए मुझे, गाड़ियां तो आ ही नहीं रही हैं, 2 महीने से अपनी जेब से ही जो है किराया दे रहा हूँ यहाँ का, महीने में 1-2 गाड़ी आती है, पता नहीं यार ऐसा क्या हो गया, गाड़ियां लेना तो लोगों ने बंद नहीं की हैं लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहे भाई, अजीब सीन है भाई। अबे हथौड़ी कहाँ गई? एक तो यार मुझे आदत पड़ गई थी ना अपने वर्कर्स की, अब ये नहीं पता मैंने किधर रखी है। क्या यार फ्रैंकलिन क्या हाल हो गया यार मेरा, अकेले संभलता ही नहीं है लेकिन जेब इजाज़त नहीं दे रही है कि बंदे रखूं, किराया देंगे या बंदों की सैलरियां देंगे। खैर मैं वो बंदा तो हूँ नहीं जो छोटी छोटी सैलरियों पर रखता बंदे को कौड़ियों कौड़ियों के भाव, लेकिन नहीं क्या करें अब तो करना पड़ेगा खुद ही। यार यहाँ से फारिग हूँ तो यार शेव वगैरह करवाऊँ, अपना हुलिया तो सुधारूँ यार मैं। चल भाई इसको देखते हैं। I'm gonna go to the next one.